हेलो एवरीवन वेलकम टू शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम डियर्स आज हम अपनी सेवंथ क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर एंड एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं द टीनी टीचर और डियर्स अगर आप क्लास सिक्स से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक इंग्लिश में किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन चाहते हैं या फिर किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं तो डियर्स हम न, स्टार्ट करते हैं अपना द टीनी टीचर टीनी मतलब छोटा सा टीचर अध्यापक देखते हैं लेसन में क्या है दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग दो हालांकि सो वेरी स्मॉल बहुत ज्यादा छोटी है द आंट चीटी इज अनबिलीवली अनबिलीलीश्वसनीय ढंग से इंटेलिजेंट बुद्धिमान होती है एंड हार्डवर्किंग कठिन मेहनती होती है वरियस काइंड अपने विभिन्न प्रकारों में वरियइंड विभिन्न प्रकारों में द कोमनेस्ट आंट जो सबसे साधारणतम चीटी होती है इज ब्लैक और रेड वो या तो ब्लैक कलर की होती है या रेड काले लाल रंग की होती है कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स लि लिव चीटियां रहती हैं इन कंफर्टेबल होम्स आरामदायक घरों में कॉल्ड एंथिल्स जिन्हें कहा जाता है लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन नेम नाम बताओ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट उस सबसे छोटे इंसेक्ट का जीव का जंतु का यू हैव सीन जो तुमने देखा है एंड द वाइजेस्ट और वो बुद्धिमान भी हो सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान जीव का नाम बताओ इज इट फ्लाई क्या ये मक्खी है नो इजेंट नो नहीं इजेंट ये नहीं है इज इट द मॉस्किटो क्या ये मच्छर है मॉस्किटो मच्छर है नो no, नोट द मोस्किटो नहीं मच्छर नहीं है देन इट मस्ट बी द वोम तब अवश्य ही मस्ट बी अवश्य ही होगा द वोम एक कीड़ा नो ऑफ नीज नहीं इनमें से कुछ भी नहीं है इट इज आंट ये एक चिट्टी है द कोमनेस्ट एंड स्मालेस्ट कॉमनेस्ट सबसे साधारणतम एंड स्मालेस्ट सबसे छोटी बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट लेकिन सबसे वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान ये इंसेक्ट होती है द स्टोरी ऑफ एन आर्ट्स लाइफ साउंड अल्मोस्ट अंट्रू द स्टोरी ऑफ एन आर्ट्स लाइफ एक चीटी के जीवन की स्टोरी कहानी साउंड्स सुनने में अल्मोस्ट अंट्रू लगभग अंट्रू गलत लगती है मतलब सही नहीं लगती है वो बट पीपल हैव कैप्ड आंट्स एज पैट्स बट लेकिन पीपल हैव कैप्ट आंट्स लोगों ने चीटियों को रखा है एज पैट्स पालतुओं की तरह एंड हैव वॉच देअर डेली बिहेवियर क्लोजली एंड हैव वॉस्ड और देखा है देयर डेली बिहेवियर उनके रोजाना के व्यवहार को क्लोजली बिल्कुल पास से सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स सो इसलिए वी नो हम जानते हैं ए नंबर ऑफ फैक्ट्स बहुत सारे तथ्य अबाउट दिस टीनी इस छोटे से एंड हार्ड वर्किंग कठिन मेहनती एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर और बुद्धिमान प्राणी के बारे में एंड आंट यूज इट्स फीलर एंड एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रो दैम एंड आंट यूज इट्स फीलर जो ये आंट है चीटी है ये प्रयोग करती है अपने फिलर को फिलर मतलब अपने स्पर्शकों को और अंटीनास, या फिर अपने एंटीना को टू टॉक बात करने के लिए टू अदर आंट्स दूसरी चीटियों से बाईपासिंग मैसेज मैसेज भेज भेज करके थ्रो दैम इनके द्वारा जो चीटियां हैं वो अपने एंटीना या स्पर्शकों के स्पर्श करके दूसरी चीटियों के को अपना मैसेज भेजती हैं वॉट्स ए रो ऑफ आंट्स आंट्स की चीटियों की एक रो एक पंक्ति को देखो मूविंग अप एंड और डाउन ऊपर और नीचे आती हुई दीवार पर ईच ग्रीट्स प्रत्येक आंट प्रत्येक चीटी ग्रीट करती है स्वागत करती है ऑल द अदर्स सभी दूसरी चीटियों का कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन कमिंग आते हुए फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा से बाई टचिंग देर फिलर्स अपने फिलर अपने एंटीना को टच करके प्रत्येक चीटी है वो अपने अंटीना को टच करके फिर आगे बढ़ती है आगे देखते हैं क्या है देर आर मैनी काइंड ऑफ आंट्स यहाँ बहुत प्रकार की मैनी काइंड्स बहुत प्रकार की चीटियाँ हैं द कोमिस्ट आंट देम आर द ब्लैक और रेड वंस जो साधारणतम चीटी है अमंग दैम इनके बीच में आर द ब्लैक वो काली होती है और रेड वंस या फिर कोई लाल रंग की होती है वी हैव सीन देम सी वी वर चिल्ड्रन वी हैव सीन्स दैम हम उन्हें सीन करते आ रहे हैं उन्हें देखते आ रहे हैं सिंस वी आर चिल्ड्रन जब हम बच्चे थे बट वी हैव नोट पेड एन नफ अटेंसन बट वी हैव नोट पेड लेकिन हमने नहीं दिया एंड नफ अटेंसन बहुत ज्यादा ध्यान टू दैम उनकी तरफ वी डू दे लिव वे कहाँ रहती थी इज देअर कम्फोर्टेबल होम्स कार्ड नेस इन देयर कम्फोर्टेबल होम्स अपने जो आरामदायक घर होते हैं उनमें रहती हैं कॉल नेस्ट जिन्हें नेस्ट कहा जाता है घोसला कहा जाता है और एंथिल्स या फिर उन्हें एंथिल कहा जाता है ईच हैज हंड्रड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेज ईच हैज प्रत्येक के पास होते हैं हंडर्ड्स ऑफ लिटल रूम्स सैकड़ों छोटे छोटे कमरे एंड पैसेज गलियारे जो एक एंथिल होता होता है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं सैकड़ों की संख्या में और उसमें बहुत सारे गलियारे भी होते हैं पैसेज मीन्स गलियारे इन सम ऑफ दीज रूम्स इन इसमें से किन्हीं कमरों में द क्वीन आंट्स लेज एज इज जो क्वीन आंट होती है रानी चीटी होती है लेज एज वो अंडे देती है अदर आर नर्सरीज और दूसरी है वो नर्सरी होती है नर्सरी मतलब देखभाल का केंद्र होती है फॉर यंग वंस जो युवा होती हैं उनके लिए काल गर्भ जिन्हें गर्भ कहा जाता है वर्कर्स हैव जो वर्कर चीटियां होती हैं उनके पास होता है रिजर्व क्वार्टर उनका एक आरक्षित कमरा होता है दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड दे स्पेंड वो बिताती हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम अपना बहुत सारा समय सर्चिंग फॉर फूड भोजन की खोज में सम रूम सर्व एंड स्टोर हाउस और कुछ कमरे हैं वो स्टोर हाउस के रूप में काम करते हैं फॉर दिस फूड इस भोजन के लिए हैव सेपरेट ब्रेकर्स जो सोल्जर सिपाही होते हैं सिपाही चिटियां जो होती हैं उनके सेपरेट अलग से ब्रेकर होते हैं अलग से उनके रहने का स्थान होता है नो वर्कर हैज एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस नो no वर्कर कोई भी जो चीटी है वो नहीं करती है ट्राइड प्रयास टू लिव इन सोल्जर्स हाउस सिपाही चीटियों के घरों में रहने का नो सोल्जर एवर आउट सर्चिंग फॉर फूड और नो no सोल्जर या फिर कोई भी जो सैनिक चीटी है होती है वो प्रयास नहीं करती है गोन आउट फॉर सर्चिंग फूड बाहर भोजन की खोज में निकलने का नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हारम्ड ए गर्भ नो no वर्कर जो वर्कर चिटियां होती है उनमें से भी कोई नहीं ना ही सोल्जर चीटियां हानि पहुंचाती हैं एक गर्भ एक गर्भ को शो यू शी इसलिए तुम देखते हो एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल एक आंट्स लाइफ चिटी का जीवन वेरी पीसफुल बहुत शांतिपूर्ण होता है डज़ इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क प्रत्येक करती है अपने काम का भाग इंटेलिजेंटली बुद्धिमानी से एंड ब्रेवली बहादुरी से एंड नेवर फाइट और कभी भी नहीं लड़ती है विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ग्रुप के समुदाय के दूसरे सदस्यों से ये कभी भी नहीं लड़ती हैं तो डियर्स यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है द द क्वीन इज़ मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी द क्वीन जो रानी चीटी होती है वह मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन इस पूरी पॉपुलेशन का पूरी जो जनसंख्या होती है उनका उनकी माँ होती है ऑफ द कॉलोनी कॉलोनी की इट लिव्स फॉर अबाउट फिफ्टीन ईयर्स इट lives. यह जीवित रहती है फॉर अबाउट फिफ्टीन ईयर्स लगभग पंद्रह सालों तक इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स विंग्स मीन्स पंख इसका एक पंखों का जोड़ा भी होता है बट bites them दैम ऑफ लेकिन यह उसे कुतर कर अलग कर देती है आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट अपनी शादी की जो उड़ान होती है उसके बाद वेडिंग फ्लाइट शादी की उड़ान दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ये उड़ान होती है on a ए summer day एक समर डे गर्मियों के हॉट डे गर्म दिन में द क्वीन male द the क्वीन रानी लिव्स द नेस्ट घोसले को छोड़ती है एंड गोज आउट और बाहर आती है टू मीट ए मेल आंट किसी नर चींटी से मिलने के लिए और ड्रोन या फिर ड्रोन से मिलने के लिए ई अप इन द एयर हवा में ऊपर उड़ती है ओन इट्स रिटर्न टू अर्थ और धरती पर इसकी वापसी के साथ इट गेट्स राइट ऑफ इट्स विंग्स गेट्स राइट पीछा छुड़वाना तो इट्स गेट्स राइट ये पीछा छुड़वा लेती है ऑफ इट्स विंग्स अपने पंखों से एंड देन और तब डज नथिंग बट ले एज इज डज नथिंग कुछ नहीं करती है बट ले एज इज केवल अंडे देती है एज इज है